हाय गाइस, वेलकम बैक। आज है संडे, तो आज पापा गए हुए हैं आउट ऑफ टाउन। तो जिस दिन पापा जाते हैं बाहर, उस दिन मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती हैं, स्पेशली लंच तो वो बिल्कुल ही नहीं बनाती हैं। तो उन्होंने बोला अपना अपना देख लो भाई, बाहर से मंगा लो खाना और मैं भी लगे हाथ खा ही लूँगी। तो हमारे घर के पास ही जो आगरा के फेमस छोले कुलचे हैं वो हमारे घर के बहुत पास मिलते हैं, लाइक 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर ही होगा मैक्सिमम। तो हम जा रहे हैं, ये तो मुझे आवाज़ लगा रहा है, तो हम जा रहे हैं छोले कुलचे लेने। मेरे एक प्रीवियस व्लॉग में आप देख चुके हैं मेरे घर के बने छोले कुलचे, आज हम चखेंगे बाहर के। मतलब मैं तो पहले भी खा चुकी हूँ, बट आज आपको दिखाने वाली हूँ फेमस छोले कुलचे। गोलू मुझे बुला रहा है तो मैं चलती हूँ बाहर। चलो चलो, बोलता है कि तू बोलियो, तू व्लॉग बनाइयो, मुझे शर्म आती है वहाँ पे, मेरे सामने मत बोलियो। तो मैंने इससे बोला कि तू रोड क्रॉस करके खड़ा रहना और मैं व्लॉग बना दूँ। छोले कुलचे मिलते हैं, सामने बहुत सारी इसकी ठेले खड़ी हैं, तो 3-4 हैं और मैं लेके आऊंगी ब्रदर्स से क्योंकि उसके सबसे बेस्ट है। तो चलते हैं अब छोले कुलचे लेने। भैया 2 प्लेट कर देना और 1 कुलचा एक्स्ट्रा। भैया यहाँ पे ना एक वो है बहुत ज्यादा, वो उनको फेमस हो गए हैं जो बहुत ज्यादा मिर्च डालते हैं, वो आए नहीं आज, यही लगाते हैं। और ये है वो कंटेनर जिसमें मटरा, हम इसको छोले को मटरा बोलते हैं, तो ये उसमें इसमें होता है। इसमें भैया उबलता है या क्या होता है? इसमें बॉल हो गया अच्छा, घर से बॉल करके 125 रुपए में हमारे 5 कुलचे आ गए हैं। मतलब हमने 2 प्लेट लिए और 1 कुलचा एक्स्ट्रा लिया है मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को एक खा रहे हैं। अब भैया हमारे पैक कर रहे हैं, शायद हमारे ये नहीं होंगे तो थोड़ी देर में कर ही देंगे। भैया तब किसी और के कुलचे सेक रहे थे, क्योंकि कितनी प्लेट थी भैया उनकी, बहुत सारी थी ना, 20 प्लेट थी, तो वो सेक रहे थे, इसलिए हमें यहाँ पे खड़े हुए अभी टाइम हो गया। बट कोई नहीं, अब हमारे ही सीख रहे हैं। ना भैया तब तक मैं खड़े खड़े रायता पीती हूँ, सर्राटे वाला एकदम। भंडारे की याद आ गई मुझे और पत्तल की दावत की, वो वहाँ से हॉर्न बजा रहा है। रायता बहुत सही और स्पाइसी था, मैंने पैक भी करा लिया, मतलब भैया देते ही अपनी प्लेट के साथ, तो अब घर पे जाके शुक्रिया यार, एकदम वो एकदम अच्छा स्पाइसी हो गया। तो अभी भैया हमारी प्लेट ही पैक कर रहे हैं, तो बड़ा इंतज़ार करना पड़ा यार यहाँ पे, क्योंकि ना किसी की 20-25 प्लेट्स थी, तो वो पैक करने में भैया को बड़ा टाइम लग गया। बट कोई नहीं, हो गया। और ये पैक हो रहे हैं हमारे कुलचे, जिनके ऊपर घिसा है भैया ने पनीर, मतलब वो यूजुअली सबके पे घिसते हैं, यूजुअली क्या सबके पे ही घिसते हैं भैया। और मुझे ये पनीर जो कुलचों पर लगा हुआ बड़ा सही लगता है, स्पेशली गर्म गर्म कुलचों पर। तो ये पैक हो गए, अब है हमारा वक्त घर पर जाने का, तो चलते हैं। और मेरा भाई भी आ गया, गाड़ी उसने मोड़ ली है और ये आ गया है।
ब्लॉगर्स को आपने देखा होगा कि वो आगरा के स्पाइसीस्ट छोले कुलचे दिखाते हैं और वो खाते भी हैं, तो वो यहीं पे वो भैया ठेले लगाते हैं। तो मैंने इनसे पूछा भी था वीडियो में कि वो भैया कहाँ हैं स्पाइसीस्ट वाले, तो उन्होंने बोला कि आज वो आए नहीं है। बट हमने उनके छोले कुलचे ट्राई किए हैं, नॉट टू डिफेम एनीबडी, हमें वो इतने पसंद नहीं आए क्योंकि उसमें इतना मसाला, इतनी हरी मिर्ची और इतनी ज्यादा लाल मिर्ची होती है ना कि वो खाए नहीं जाते, तो मतलब टेस्ट उसका गायब सा ही हो जाता है। मैं बहुत स्पाइसी खाने वाली हूँ, हमारे घर में बहुत स्पाइसी खाते हैं, बट पता है क्या होता है कि स्पाइसी ना तब अच्छा लगता है जब सारे एलिमेंट्स एकदम बैलेंस्ड हो। उसमें बैलेंस नाम की चीज़ नहीं होती, बस आप है करते ही रहते हो। तो वो गोलू को भी ज़्यादा नहीं पसंद, और ये जो भैया थे जिनसे हमने लिए ये हमारे फेवरेट है, और ये गोलू ने ही डिस्कवर किया, मतलब मेरे भाई ने, और अभी वो लाइव पे आ रहा है इसलिए मुझसे कह रहा है अब तू चुप रहा है क्योंकि तेरी आवाज़ आएगी उसमें, है ना गोलू। और गोलू बड़ा क्रिंज कर जाता है कि मेरा मेरी क्लिप व्लॉग में मत डालियो, पर मैं तो डालूंगी। मैंने ये छोले कुलचे गोलू को दे दिए क्योंकि हमारे इतने बंदर हैं, ये देखो गाइस, ये देखो, ये एकदम हाथ से ना छिना के ले जाते हैं चीजें, और पता नहीं कभी कभी ना गाड़ी के नीचे भी बैठे होते हैं तो एकदम से आके छीन देते हैं, तो इसलिए मैं उसी को देती हूँ। चलो अब हम आ गए हैं घर, अब हम टेस्ट करेंगे छोले को। गाइस ये आ गए हमारे छोले, और ये देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो रहा रायता, और ये आया हमारा कुलचा, अब हम इसको खाते हैं, तो चलो। ये हमारा कुलचा, ये रहा उस पर पनीर जो मैं आपको दिखा रही थी, मतलब अब 50 रुपये में पनीर तो उन्हें देना ही पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, तो और मैं इसको खाऊंगी। ये रहे छोले, सही है, ज्यादा मिर्च नहीं है ना, हरी मिर्च हम डाल दो, सही है छोले अच्छे हैं। ये रहा रायता, मम्मी ने रायता और टॉप क्लास कर दिया है, वो पतला सा रायता मम्मी को इतना पसंद नहीं है, तो मम्मी क्या करती हैं इसमें ना दही डाल देती हैं, तो ये बहुत टेस्टी हो जाता है, मतलब इसमें वो बाजार वाला टेस्ट भी आता है और घर वाली थिकनेस भी आ जाती है, तो मुझे तो बहुत सही लगता है, मतलब सर्राटा जो मैंने वहाँ भी आता उस ठेल पे, उससे ज़्यादा अच्छा मुझे अब लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगा। छोले कुलचे खाने के बाद जो नींद आई है ना, भयंकर वाली नींद आई है, और मैं सो गई हूँ, मुझे कुछ भी होश नहीं रहा है। गाइस यही था हमारा आज का ब्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए तो कहना भूल ही गई, वो ज़रूर कर देना, बाय बाय।